अगर कोई आपसे पूछे कि नाचा क्या है तो कहिएगा पथरीली जमीन पर चंदन बोने की हिमाकत है नाचा। ग्रामीण मन के सलोने सपनों का प्रतिबिंब है नाचा। परंपरा निर्वाह के साथ अनचाही परंपरा को तोड़ने की अदम्य शक्ति और आंसुओं को पीकर मधुर मुस्कान बांटने की सरल चेष्टा है नाचा। नमस्कार, मैं हूं पारितोष जायसवाल। स्वागत करता हूं आप सभी का कंपटीशन कम्युनिटी की ऑडियो लेक्चर श्रृंखला की अगली कड़ी में, जहां आज हम बात करने वाले हैं मनोरंजन, जागरूकता और आंचलिकता की त्रिवेणी नाचा के बारे में। लोक नाट्यों की लोकप्रियता सर्वविदित है। इस लोकप्रियता का कारण उसका लोक जीवन से जुड़ाव होता है। लोक नाट्य में लोक के आचार विचार, रहन सहन, वेशभूषा और उसकी संस्कृति एवं परंपराएं स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होती हैं। इसलिए लोक नाट्य में ज्यादा रस और आनंद मिलता है। लोक नाट्य लोक साहित्य की वह विधा है जो संवादों के माध्यम से किसी रोचक कथा प्रसंग को प्रस्तुत कर लोगों का मनोरंजन करती है। लोक नाट्य लोक जीवन का दर्पण भी कहलाता है। छत्तीसगढ़ के लोक कला रूपों की जब हम चर्चा करते हैं, तब यहाँ का लोक नाट्य नाचा हमारी आंखों के सामने दृश्यमान हो जाता है। नाचा की प्रस्तुतियाँ कभी हमारे मन को गुदगुदाती हैं, तो कभी हमें सामाजिक विसंगतियों के विरुद्ध खड़ा होने का साहस प्रदान करती हैं। यह सब मनोरंजन के साथ साथ इतने सहज ढंग से हो जाता है कि हमें मालूम ही नहीं पड़ता कि कब और कैसी सारी रात हंसते कठलते बीत गई। छत्तीसगढ़ी लोक जीवन एक महासागर की तरह है, जिसमें अनेकों लोकगीत, संगीत, नृत्य तथा नाट्य के अनेकों नेक मोती बिखरे पड़े हैं। परिश्रमोत्पन्न क्लांति और अवसादों के परिहार के लिए ये सहायक होते हैं। नाचा सहित सभी लोक नाट्य लोक रंजन का आडंबरहीन साधन है, जो नागरिक मंच से अपेक्षाकृत निम्न स्तर का होकर भी विशाल जन के हर्षोल्लास से संबंधित है। बाह्य आडंबरों और नागरिक सुसंस्कृत चेष्टाओं के बिना भी नाचा लोक नाट्य लोक जीवन का अभिन्न अंग है। आज इस ऑडियो आर्टिकल के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि नाचा का उद्भव और विकास किस प्रकार हुआ, नाचा के वैशिष्ट क्या हैं, नाचा का कथानक क्या होता है, इसके अलावा पारंपरिक नाचक के कथानक के स्वरूप क्या है, समकालीन नाचा की कथा वस्तु क्या है, इसके अलावा चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ नाचा के साज या विभिन्न प्रकारों के बारे में, नाचा की रूप योजना तथा वेशभूषा क्या होती है, नाचा की संवाद शैली कैसी होती है, इसके अलावा नाचा की पात्र योजना क्या है, नाचा की मंच योजना किस प्रकार होती है, इसके अलावा नाचा के पूर्व रंग की विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हुए वाद्य यंत्र तथा अंत में एक सकारात्मक उपसंहार के साथ चर्चा को विराम देंगे। आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं नाचा के उद्भव तथा विकास के बारे में। नाचा का आविर्भाव कब, कैसे और कहां हुआ, यह निश्चित तौर पर कह पाना कठिन है। नाचा का प्रामाणिक इतिहास अभी तक अनुपलब्ध है। आइए देखते हैं कि नाचा के उद्भव का इतिहास क्या है। पहला, बहुत से विद्वानों का मत है कि नाचा का इतिहास लगभग 200 वर्ष पुराना है। उनका यह तर्क है कि नाचा का प्रचलन 1742 में मराठों के साथ आया था। दूसरा, छत्तीसगढ़ अंचल प्रारंभ से ही श्रमजीवी रहा है। श्रमजनित क्लांति को मिटाने के लिए यहाँ का व्यक्ति प्राकृतिक परिदृश्यों का अनुकरण कर उसे मनोरंजन का साधन तो बना ही चुका होगा, अतः नाचा को वर्षों में कैद करना उचित नहीं है। तीसरा, नाचा जिस रूप में आज प्रतिष्ठित है उसका स्वरूप वैसा नहीं था। कुछ विद्वान नाचा की उत्पत्ति का उल्लेख सतनामी नाचा से करते हैं, जो खड़े साज के रूप में प्रचलित था। सतनामी नाचा में गम्मत की न्यूनता होती थी। चौथा, 1951 में रामचंद्र देशमुख जी ने देहाती कला विकास मंडल की स्थापना की। 1961 में दाऊ जी ने चंदैनी गोंदा का सृजन कर नाचा को एक नया आयाम प्रदान किया था। वर्तमान में आधुनिकता और सरकारी सहायता से नाचा एक विशिष्ट रूप प्राप्त कर चुका है। आइए अब बात करते हैं नाचा के वैशिष्ट्य या विशेषताओं के बारे में। पहला, सामूहिक अभिनय। नाचा लोक नाट्य की सबसे बड़ी विशेषता है कि नाचा में अभिनय की प्रवृत्ति व्यक्ति परक ना होकर सामुदायिक होती है। जाति, समाज और समूह की सामुदायिक भावनाएं नाचा दल में अभिनय के द्वारा अभिव्यक्त होती हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो नाचा में अभिनय की प्रवृत्ति नितांत सामूहिक और सहकारिक होती है। दूसरा, आडंबरहीन रंगमंच। लोक नाट्य नाचा का प्रदर्शन मुक्ताकाश में होता है। किसी चौरे चबूतरे पर इसे खेला जाता है। यदि आवश्यक हुआ तो उपलब्धता के आधार पर तख्त की व्यवस्था की जाती है।
खुला आकाश या पेड़ की छाया ही इनकी छत बन जाती है। तीसरा, अलिखित कथानक। नाचा सहित अन्य लोक नाट्यों में कथानक अलिखित होता है। वैसे भी लोक के किसी भी कला रूप में वाचिक परंपरा के दर्शन तो होते ही हैं। चौथा, पात्र। नाचा के कथानक की आवश्यकता के अनुसार पात्रों की संख्या निश्चित होती है। नाचा में स्त्री की भूमिका भी पुरुष ही अदा करते हैं। पात्र स्थानीय वैशिष्ट से संपन्न होते हैं। पांचवा, वेशभूषा। नाचा के अभिनेता वेशभूषा पर अधिक ध्यान नहीं देते हैं, परंतु अपनी आंगिक चेष्टाओं के द्वारा ही दर्शकों को आकर्षित और सम्मोहित करने की प्रबल क्षमता के साथ चटक मेकअप और उटपटांग वेशभूषा नाचा के कलाकारों की वेशभूषागत विशेषता होती है। छठवां, रूप योजना का अभाव। लोक नाट्यों में देश काल के अनुरूप प्रसाधन, वस्त्रालंकार आदि का अभाव होता है। स्थानीय उपलब्धता के आधार पर रूप प्रसाधन तथा कोयला, काजल, छुई मिट्टी, खड़िया, गेरू आदि इनकी श्रृंगार सामग्री बन जाती है। सातवां, छत्तीसगढ़ी संस्कृति की जीवंतता। नाचा नामानुरूप नृत्य प्रधान लोक नाट्य शैली है, जिसमें संक्षिप्त किंतु व्यंग युक्त संवादों के माध्यम से कथ्य, नृत्य, गीत और अभिनय की त्रिवेणी में अवगाहन करते हुए छत्तीसगढ़ी संस्कृति को भी जीवंत बनाता है। आइए अब देखते हैं कि नाचा का कथानक क्या होता है। नाचा की कथा वस्तु सरल, सहज और बोधगम्य होती है। लोक जीवन से ली हुई घटनाएं और चरित्र की सामूहिक संकल्पना कथा वस्तु का निर्माण करती है। नाचा का कथानक मुख्यतः दो रूपों में होता है, परंपरागत और समसामयिक। परंपरागत कथानक में हास परिहास के साथ पारिवारिक अंतर विरोधों को समाप्त करने की सीख मिलती है। परंपरागत कथानकों में परिवार के बाह्य और आंतरिक परिस्थितियों का चित्रण होता है। इन कथानकों की विषय वस्तु बंटवारा, मौसी दाई, देवार, देवार डेरा, चोर चरणदास, गांव के नाव ससुराल जैसी गम्मत में दिखते हैं। समसामयिक कथानकों में छुआछूत, बाल विवाह, दहेज, साक्षरता, पर्यावरण, भ्रष्टाचार आदि विषयों को केंद्र मानकर गम्मत का आयोजन होता है। अन्याय का विरोध तथा सामाजिक समस्याओं का समाधान इनके कथानक का लक्ष्य होता है। आइए अब बात करते हैं पारंपरिक नाचा के कथानक के स्वरूप के बारे में। छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक संपन्नता को यहाँ की सर्वाधिक लोकप्रिय कला रूप नाचा में भी देखा जा सकता है। नाचा सौकिया उद्यम ना होकर लोक जीवन के भीतर प्रतिरोध की आंतरिक चेतना में सुलगते सामाजिक विद्रूपताओं पर कटाक्ष है। पहला, सामाजिक और आर्थिक दशाओं पर आधारित कथ्य। नाचा मंडलियां अपने गम्मत के माध्यम से तत्कालिक सामाजिक बुराइयों को समाज के सामने उजागर करती हैं। मंदरा जी की जमींदारिन से छुआछूत, ईरानी गम्मत में हिंदू मुस्लिम एकता, बुढ़वा गम्मत से बाल विवाह तथा पाकिस्तानी एजेंट नामक गम्मत में घुसपैठ को प्रदर्शित किया गया है। नाचा के पात्रों की सहज और सरल अभिव्यक्ति, गजब की संप्रेषणीयता, संवाद का लयात्मक ढंग किसी भी शोषक वर्ग पर ऐसा व्यंगात्मक प्रहार करते थे कि हर शोषक वर्ग तिलमिला उठे। दूसरा, धार्मिक तथा पौराणिक कथाओं पर आधारित कथ्य। ऐसे अनेक प्रसंग होते हैं जो जनमानस के मानस पटल पर युगों तक अंकित रहते हैं। इन चरित्रों के माध्यम से लोक कलाकार कभी तालियां बटोरते हैं तो कभी रूढ़ियों के विरुद्ध जागरूकता जगाने का काम। रिंगनी साज पार्टी का नकली साधु, पतिव्रता नारी की मां नर्मदा ऐसे ही कथानक हैं जो पौराणिकता के माध्यम से लोक संदेश वाहक का कार्य कर रहे हैं। तीसरा, प्रेम प्रसंगों पर आधारित कथा वस्तु। यह माना जा सकता है कि जब से लोक जीवन है तब से नाचा किसी न किसी रूप में विद्यमान रहा है। लोरिक चंदा लोक विधा पर आधारित एक प्रेम कथा है, जिसे खड़े साज के माध्यम से दर्शकों के सामने परोसा जाता है। सोनहा बिहान संस्थान ने नेहरू क्लब भिलाई में सर्वप्रथम 9 जून 1982 को इसका मंचन किया था। चौथा, ऐतिहासिक प्रसंगों पर आधारित कथ्य। अतीत से जुड़ने की उत्कट अभिलाषा लोक कलाकारों को जन सामान्य से जोड़ता है। कंठी ठेठवार तथा फुलकेना आदि की कहानियां नाचा के माध्यम से प्रदर्शित होते रहते हैं। लोक कलाकारों ने पेड़ कटने के दर्द को बहुत पहले ही कंठी ठेठवार के माध्यम से दिखा दिया था, जो अंत में हरेली नाम से मंचित होने लगा है।
पांचवा समसामयिक यथार्थ पर आधारित कथा वस्तु। नाचा की खूबियों में से एक यह है कि इसके भीतर प्रतिवादी स्तर अत्यंत मुखर है। नाचा के कलाकारों की कलात्मकता उसकी प्रतिरोध वृत्ति में निहित होती है। रंग छत्तीसा पार्टी का गांव के नाम ससुरार, मोर नाव दामाद, बंटवारा आदि ऐसे ही प्रहसन हैं। छठवां प्रेरक नीतिगत और आदर्श परक कथ्य। शोषण और शोषक के रूप बदल सकते हैं लेकिन गम्मत की लोक चेतना नहीं। भ्रष्ट व्यवस्था पर प्रहार करना हो या व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि, नाचा लोगों को हमेशा सजग रहने का आह्वान करता है। मंत्री बंटोरन लाल जैसे को तैसा, चरण के परन आदि ऐसे ही प्रहसन हैं जो प्रेरक नीतिगत और आदर्श परक कथ्य प्रस्तुत करते हैं। अब बात करते हैं समकालीन नाचा की कथा वस्तु के बारे में। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र में उपजे लोक नाट्य नाचा के बारे में महावीर अग्रवाल जी लिखते हैं कि छत्तीसगढ़ी लोक नाट्य नाचा में लोक धर्मी परंपराओं के साथ समकालीनता भी है। आइए देखते हैं कि नाचा में समकालीन कथा वस्तु क्या है। पहला, स्त्रियों की स्थिति पर आधारित कथ्य। महके मोंगरा नाचा पार्टी का सिंदूर का सौदा में सामाजिक चेतना और व्यक्तिक अहम भाव को रूपायित किया गया है। छत्तीसगढ़ी नाचा पार्टी की अबला नारी, छत्तीसगढ़ी नाचा पार्टी तिलदा की मोर गरीबिंदाई ऐसे ही कथानक हैं। दूसरा, अशिक्षा तथा बेरोजगारी पर आधारित कथ्य। मूलतः गम्मत के कलाकारों का मुख्य उद्देश्य जनता का मनोरंजन था। अब समकालीन परिस्थितियां जैसे अशिक्षा बेरोजगारी को भी नाचा में स्थान दिया जाने लगा है। जय सरस्वती नाचा पार्टी का डाकू मंगल सिंह, सत्य कबीर नाचा पार्टी का ज्ञान का अंजोर, अमर ज्योति नाचा पार्टी का खून का बदला पानी तथा छत्तीसगढ़ लोक कला नाचा पार्टी का अहंकार ऐसे ही प्रमुख कथ्य हैं। तीसरा, पर्यावरण संरक्षण पर आधारित कथ्य। लोकमानस प्रकृति का अनन्य पुजारी है, इसे दूषित करने वालों के प्रति आक्रोश उसकी अभिव्यक्ति में मुखरित होता है। खुरखुड़िया नाचा पार्टी का दिवारी पर्यावरण संरक्षण पर आधारित नाचा है। चौथा, संयुक्त परिवार पर आधारित कथ्य। जय मां सरस्वती नाचा पार्टी का अलाल दलाल, सत्य कबीर लोक नाटिका माया परीक्षा आदि ऐसे ही नाचा हैं जो पारिवारिक कलह, संबंधों में टकराव जैसी समकालीन समस्याओं को इंगित करते हैं। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ी नाचा के साज या प्रकार के बारे में। छत्तीसगढ़ी नाचा के मुख्यतः दो रूप मिलते हैं, गांडा साज और दीवारिन साज। आइए इनके विषय में एक संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पहला, गांडा साज। छत्तीसगढ़ में रहने वाली जाति गांडा गायन वादन और नृत्य में दक्ष है। ये गंधर्व के वंशज कहलाते हैं। छत्तीसगढ़ में हाना है कि दूसरे के नाचे कूद और गांडा के मटकाव। इनका परंपरागत व्यवसाय बाजा बजाना है जिसे गांडा बाजा की संज्ञा दी जाती है। कालांतर में सामाजिक साज के साथ इन कलाकारों के मिलने से एक नाचा पार्टी का निर्माण हुआ जिसे गांडा साज की संज्ञा दी गई है। दूसरा, देवारी नाच। देवार छत्तीसगढ़ की घुमंतु किंतु कला प्रवीण जाति है। देवार कन्याएं नृत्य करती हैं तथा पुरुष सारंगी और मांदर का वादन करते हैं। आज नाचा मंडलियां और सामूहिक लोक कला मंचों में देवार कन्याएं सगर्व काम कर रही हैं। चूंकि नाचा में लड़कियों का भाग लेना हेय समझा जाता है लेकिन देवारी नाचा में आज ये लड़कियां पूरे गर्व और साहस के साथ हिस्सा लेकर अभिनय करती हैं और दर्शक भी इनका सम्मान करते हुए इन्हें पुरस्कृत करता है। आइए अब देखते हैं कि नाचा की रूप योजना तथा वेशभूषा किस प्रकार से होती है। पहला, नाचा में कलाकारों की रूप सज्जा आडंबरहीन होती है। दूसरा, वादक कलाकार सामान्य वेशभूषा में होते हैं जबकि जोक्कड़ परी तथा नचकारिन अपना मेकअप करते हैं। तीसरा, नाचा कलाकार स्थानीय रूप से उपलब्ध साधनों का ही प्रयोग करते हैं किंतु बदलते समय के साथ आधुनिक सौंदर्य प्रसाधनों का भी उपयोग किया जाने लगा है। चौथा, जोक्कड़ अपना मेकअप इस प्रकार से करते हैं या करने का प्रयास करते हैं जिसे देखकर ही हंसी आ जाए। पांचवा, कथानक के अनुसार कलाकार पात्रोचित वेशभूषा का भी इस्तेमाल करते हैं। छठवा, नाचा में नचकारिन तथा परी की भूमिका भी पुरुष पात्र द्वारा ही निर्वाहित किया जाता है, अतः वे स्थानीय स्त्रियोचित श्रृंगार करते हैं। सातवां, वर्तमान में वेशभूषा तथा आभूषण दोनों में परिवर्तन आ गया है।
कहा जा सकता है कि रूप योजना में अब फिल्मी प्रभाव अधिक स्पष्ट नजर आने लगा है। आइए अब देखते हैं कि नाचा की संवाद शैली किस प्रकार से होती है। चूंकि नाचा की कथा वस्तु अलिखित होती है, अतः कथानक की वाचिक परंपरा आज भी संरक्षित है। देखते हैं कि नाचा की संवाद शैली की विशेषताएं क्या हैं। पहला, नाचा के संवाद निर्धारित नहीं होते। नाचा के पात्र अपनी संवाद शैली तथा समय के प्रकारांतर में संवादों में परिवर्तन करते रहते हैं। दूसरा, संवाद योजना पात्रों की योग्यता पर निर्भर करती है। फिर भी नाचा में संवाद संक्षिप्त, सरल, चुटीले और प्रभावपूर्ण होते हैं। तीसरा, हालांकि संवाद अलिखित होने के कारण बदल सकते हैं, किंतु मूल उद्देश्य से विच्छिन्न नहीं होते हैं। चौथा, चूंकि नाचा कलाकार बात करने और बात सजाने में होशियार होते हैं, अतः संवाद की संक्षिप्तता किंतु पैनापन कभी दर्शकों को गुदगुदाती है, कभी कुरेदती तो कभी आंदोलित करने की क्षमता रखती है। पांचवा, नाचा में संवाद लगभग गद्य में ही होते हैं। आवश्यकता अनुसार लोकगीतों और फिल्मी गीतों को गूंथकर प्रसंग का विस्तार किया जाता है। छठवां, संक्षेप में कहा जाए तो नाचा की संवाद योजना संक्षिप्त, चुटीली, पैनी और हास परिहास से परिपूर्ण होती है। आइए अब बात करते हैं नाचा की पात्र योजना की विशेषताओं के बारे में। पहला, नाचा मंडली में सामान्यतः 10 से 15 कलाकार होते हैं, जिनमें 5 से 7 कलाकार वादक के रूप में होते हैं। दूसरा, शेष कलाकारों में से अन्य मुख्य रूप से 2 जोकड़, 3 नचकारिन और 1 साज परी होती है। तीसरा, नाचा के अधिकतर कलाकार सामान्य परिवारों से आते हैं। आज भी उच्च जातियों के द्वारा नाचा को हेय दृष्टि से देखा जाता है। चौथा, जोकड़ और साज परी गम्मत के प्राण होते हैं। किसी भी नाचा मंडली की प्रसिद्धि इन्हीं पात्रों की दक्षता पर ही निर्भर होती है। पांचवा, सभी पात्र गायन, अभिनय और नृत्य तीनों में प्रवीण होते हैं। हालांकि इन दिनों कुछ नाचा पार्टियों में लड़कियां भी हिस्सा लेने लगी हैं तथा ससम्मान अपनी भूमिका निर्वाह कर रही हैं। छठवां, प्रत्येक नाचा मंडली में एक मैनेजर होता है जो कलाकारों को संगठित करता और कार्यक्रम तय करता है। आइए अब देखते हैं कि नाचा की मंच योजना किस प्रकार से होती है। नाचा में मंच योजना का कोई विशेष स्थान नहीं होता। नाचा का आयोजन चाहे ग्रामीण क्षेत्र में हो या नगरीय क्षेत्र में, पूर्णतः आडंबरहीन होता है। आइए देखते हैं कि नाचा की मंच योजना की क्या विशेषताएं हैं। पहला, सरकारी आयोजनों को छोड़कर नाचा का मंच आडंबर से मुक्त बनाया जाता है। दूसरा, नाचा में मंच का अर्थ कलाकारों की छाया व्यवस्था तक ही सीमित समझा जा सकता है। गांव के मध्य खुले स्थान, तिराहे या चौराहे पर मंच की व्यवस्था की जाती है। तीसरा, दर्शक दीर्घा को डोर के माध्यम से 2 भागों में विभक्त कर दिया जाता है, जहां अलग अलग रूप में महिला तथा पुरुष दर्शकों की बैठने की व्यवस्था होती है। चौथा, मंच के पीछे या पास किसी मकान में कलाकारों के मेकअप की व्यवस्था की जाती है, जिसे हम ग्रीन रूम कह सकते हैं। पांचवा, मंच पर किसी प्रकार के पर्दे की आवश्यकता नहीं होती, ना ही किसी प्रकार के दृश्य परिवर्तन की। सब कुछ बिना दिखावे और छलावे के ही प्रदर्शित किया जाता है। छठवां, वादक कलाकारों की बैठक व्यवस्था बजावट या तख्त पर ही की जाती है। अब बात करते हैं नाचा के पूर्व रंग के बारे में। नाचा का पूर्व रंग भी कम आकर्षक और रंगीन नहीं होता है। आइए देखते हैं कि नाचा के पूर्व रंग की विशेषताएं क्या होती हैं। पहला, वैसे तो नाचा में गीत, संगीत, नृत्य, अभिनय सब कुछ है, किंतु गीत, संगीत और नृत्य का चरमोत्कर्ष तो पूर्व रंग में ही प्राप्त होता है, जिसे स्थानीय भाषा में बजकरी कहा जाता है। दूसरा, काफी देर से प्रतीक्षारत दर्शक, वादक, कलाकारों के आगमन के साथ सुनिश्चित हो जाते हैं कि अब नाचा शुरू होने वाला है। तीसरा, मंगलाचरण के पश्चात डांसर या नचकारिन का प्रवेश होता है। नचकारिनों की भूमिका पुरुष ही निभाते हैं। प्रत्येक नाचा मंडली में साज परी को छोड़कर 2 से 3 नचकारिन होते हैं। अब देखते हैं कि नाचा के वाद्य यंत्र कौन से हैं। पहला, आज नाचा में स्थानीय लोकवाद्य चिंकारा लुप्त प्राय हो चुका है तथा नाचा में देशी वाद्यों के साथ साथ अब विदेशी वाद्यों का भी प्रचलन बढ़ने लगा है। दूसरा, हारमोनियम, तबला, ढोलक, मंजीरा के साथ ही बैंजो, केसियो, क्लारनेट आदि का भी उपयोग बहुतायत से होने लगा है। तीसरा, वाद्यों के हिसाब से नाचा कुल मिलाकर ऑर्केस्ट्रा से कम नहीं लगता। पारंपरिक लोक वाद्यों का प्रयोग ना करना अच्छी परंपरा नहीं मानी जा सकती। नाचा पथरीली जमीन पर चंदन बोने की हिमाकत, ग्रामीण मन के सलोने सपनों का प्रतिबिंब,
परंपरा निर्वाह के साथ अनचाही परंपरा को तोड़ने की अदम्य शक्ति और आंसुओं को पीकर मधुर मुस्कान बांटने की सरल चेष्टा है नाचा। जब छत्तीसगढ़ अंचल की सहजता, सरलता, माधुर्य और लयात्मकता किसी मंच पर आ मिले तो समझिए वह मंच नाचा का है। चर्चित कथाकार परदेशी राम वर्मा जी कहते हैं कि छत्तीसगढ़ चुप्पे लोगों का अंचल है और वह अपनी चुप्पी जिन माध्यमों से तोड़ता आया है उसमें सबसे सशक्त माध्यम है नाचा। आज नाचा लोक नाट्य अपनी पूरी ऊर्जा, शक्ति और संपूर्णता लिए समय के साथ कदम मिलाता चल पड़ा है। नाचा तथा इसके कलाकारों के लिए बस यही कामना है कि जब तक इस जगत में लोक स्पंदन है, नाचा की आत्मीय तरंगिणी प्रवाहमान रहे तथा प्रतीकात्मकता और सादगी नाचा को नया रूप देने वाले श्री डोमार सिंह जी की विलक्षण प्रतिभा और सुनियोजित व्यूह रचना को इसी प्रकार सम्मान मिलता रहे। धन्यवाद।